हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये लेडीज सॉक्स लेकर आई हूँ जो दिखने में तो खूबसूरत है और पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल है, और इसे बनाना भी बहुत आसान है। जो बिगिनर्स हैं वो भी इसे आसानी से बना सकते हैं। इसमें मैंने 22 स्टिचेस लिए हैं। 22 स्टिचेस लेने के बाद हमने ये 22 रो बनाई हैं, मतलब 44 सिलाइयाँ, तो ये 22 रोज़ आ जाएंगी। उसके बाद क्रीम कलर का यूज़ किया है हमने, और उसके बाद फिर से यहाँ ग्रीन कलर से 22 रो बनानी है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे मैंने 10 नंबर की सिलाइयों पर बनाया है और ये 22 स्टिचेस हमने इस सिलाई में डाल लिए हैं। तो हमने इसकी उल्टी उल्टी सिलाइयां बनानी हैं, सीधा साइड से भी उल्टा और उल्टी साइड से भी उल्टा। तो इस तरह से हम उल्टा उल्टा बनाते हुए इसे पूरा करेंगे। सारे फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं। जो लास्ट का फंदा है हम ऊन पीछे करेंगे और इसको बिना बुने ही उतार लेंगे। जो फंदा हमने बिना बुने उतार लिया था, उल्टी साइड से फिर उसको बुन लेंगे हम। इसी तरह से ये सिलाई भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन लिए हैं हमने। अब हम फिर धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को बिना बुने ही उतार लेंगे। ये बिना बुने हमने क्यों उतारा है ये मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। फिर हम सारी सिलाई उल्टी बुनेंगे। इसी तरह उल्टा उल्टा बनाते हुए हमें 22 रोज बनानी है। ये हमने इसकी 22 रोज बना ली हैं। 22 रोज 44 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी, तो ये 22 रोज आ जाएंगे। इसके बाद हम क्रीम कलर का ऊन यूज़ करेंगे। क्रीम कलर का यूज़ हमने उल्टी साइड से करना है। उल्टी साइड से हम ये धागा लगाएंगे और पूरी सिलाई उल्टी बुन लेंगे। इस धागे को इसके बीच में ऐसे बुनते हुए ले जाएंगे ताकि वो बाद में नज़र ना आए। इस तरीके से ये उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। उल्टी सिलाई हमने उल्टी बना ली है क्रीम कलर से। सीधी सिलाई हम सीधी बनाएंगे क्योंकि हमें क्रीम कलर से सीधा और उल्टा बनाना है। ये सीधी सिलाई बना लेंगे, एक सिलाई फिर उल्टी बनाएंगे, एक सीधी, फिर उल्टी साइड से ग्रीन कलर यूज़ करेंगे। ये हमने चार सिलाइयाँ बनानी है इस तरीके से, 1 2 3 4, और उसके बाद फिर ग्रीन कलर से उल्टा उल्टा, फिर क्रीम कलर से एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी। तो इस तरह हमें बनाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 7 रो ये बनानी है हमने। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 रो हमने क्रीम कलर की बना ली, और फिर ग्रीन कलर से उल्टा उल्टा हमने ये 22 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब ये सिलाई 22 के बाद इसको हम सारे फंदों को बंद कर देंगे। जब हमने ये क्रीम कलर की ऊन लगाई थी ये उल्टी साइड से लगाई थी, और उसके बाद फिर एक सीधी सिलाई, फिर उल्टी सिलाई, फिर सीधी सिलाई, ग्रीन कलर भी हमें उल्टी साइड से ही लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें बनाते हुए ये बना लिया हमने, ये पट्टी पूरी बन जाती है ऐसे। इसके बाद ये हम सारे फंदे बंद कर देंगे। ये 22 रोज हो गई, और उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 रोज़ क्रीम कलर की हो गई, और फिर ग्रीन कलर की 22 रोज़ हो गई, 44 सिलाइयाँ। अब हम ये सारे फंदे बंद कर देते हैं। दो फंदों का एक फंदा करेंगे, फिर इसको इस सिलाई पे ले लीजिए, फिर इसके साथ मिला के दूसरा फंदा बन। इस तरीके से सारे फंदे बंद करेंगे।
ये सारे फंदे हमने बंद कर दिए हैं, जो लास्ट फंदा है ये धागा इसमें से निकाल लेंगे। ये जो धागा हमने काटा था इसे सुई में डाल लेते हैं। अब उल्टी साइड से ये हम ऐसे सिलाई कर लेंगे, इधर से सिलाई करेंगे, और इस साइड से सिलाई करेंगे। ये एक साइड अभी हम खुला रखेंगे, तो इधर से और इधर से हम सिलाई कर लेते हैं। तो हमने इधर से और इधर से सिलाई कर ली है। ये सिलाई करने के बाद जो ये धागा बच जाता है इसको यहीं पर ही पक्का कर दें, काटे नहीं। ये हमने सिलाई कर ली है, अब हम ये शेप देंगे इसको। तो क्या करना है, इसमें जहाँ से हमने क्रीम कलर यूज़ किया था वहाँ से हमने इस सुई में धागा डालना है। डबल धागा डालने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लास्ट वाले फंदे में से ऐसे इस तरीके से, जैसे हम कच्चा करते हैं उस तरीके से हमें ऐसे धागा लेते हुए। और इसके बाद इसको खींच कर यहाँ पे इसको बंद कर देंगे, दोनों धागों को नॉट लगा देंगे अच्छे से इस तरीके। तो ये हमारी आगे इसकी इस तरीके से शेप आ जाएगी, और इस धागे को हम अंदर पक्का कर देंगे सुई धागे की हेल्प से। सुई और धागे से ऐसे इस बटन को यहाँ पे टक कर देंगे। आप चाहें तो कोई मोती भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो हमारी सॉक्स बनकर तैयार है। जो हमने वो खाली फंदा लास्ट में हम छोड़ रहे थे और फिर दूसरी साइड से बुन रहे थे, तो ये हमारा वो खाली फंदा जो हमने छोड़ा था। कितनी सुंदर और ब्यूटीफुल ये चेन इस तरीके से आ जाती है। तो हमारी इजी एंड कंफर्टेबल सॉक्स बनकर तैयार है। आप भी बनाइए अपने लिए और अपनों के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।